शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। विवाह संपन्न हुआ? नहीं नहीं रानी साहब, विवाह संपन्न नहीं हो पाया। आखिर कौन है वो जिसने मेरे सपनों के बीच आने की कोशिश की? आज तो मुझे यकीन हो गया, ना तो तुम्हें अच्छी शिक्षा मिली है ना ही अच्छे संस्कार। इस विवाह में खलल किसने डाला? मैंने रोका। गलती इन दोनों की है। मैंने बोला था मासे इन दोनों को कि ये खबर आपको देनी बहुत जरूरी है कि आदिराज ने उस गांव की लड़की से विवाह कर लिया। लेकिन मासे इन दोनों ने आपके पास मुझे जाने नहीं दिया, बल्कि इन दोनों ने अपनी शक्तियों का प्रयोग करके मुझे बंदी बना दिया। इन दोनों को इनकी गलतियों का दंड मिलेगा। पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारे रहते उन दोनों का विवाह हुआ कैसे? रोका क्यों नहीं तुमने उन्हें? मैंने कहा था ना, अधिराज की परछाई बनकर रहना, उसे कहीं जाने मत देना। तो फिर विवाह के दिन अधिराज महल के बाहर कैसे निकला? चंद्रलेखा, बिल्कुल बिल्कुल सही, गलती हमारी नहीं है, इनकी है, इनकी। गलती चाहे किसी की भी हो, पर नुकसान सिर्फ और सिर्फ मेरा हुआ है, मेरा। वैसे भी गलती किसी एक की नहीं हो सकती, तुम तीनों की है, शायद मेरी भी, क्योंकि मैंने तुम जैसे नाकाबिल लोगों के ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी और मेरे वर्षों का सपना चूर चूर हो गया।
लड़की को बर्बाद कर देंगे। आज जिसके कारण हमारी माँ हमारा चेहरा नहीं देखना चाहती, अब हम इसका ऐसा हल करेंगे कि ये खुद का चेहरा भी नहीं देखना चाहेगी। की लापरवाही की वजह से एक बाहर के इंसान को इस महल में प्रवेश मिल गया जो पिछले 21 सालों में नहीं हुआ था। तुम लोगों को जितनी सजा दी जाए उतनी कम है। माफ कर दीजिए रानी मां, हमें बिल्कुल भी पता नहीं था कि राजकुमार अधिराज उस लड़की को लेकर महल में आ जाएंगे। अगर हमें पता होता तो हम उस लड़की के इस महल में प्रवेश करने से पहले ही उसका सर धड़ से अलग कर देते। विश्वास कीजिए रानी माँ, हम आपके खिलाफ जाने के बारे में या आपको दुख पहुंचाने के बारे में सोच भी नहीं सकते। चंद्रलेखा माफ कर दो, माफ कर दीजिए रानी माँ, हमारी माँ को हमसे मत छीनिए, उन्हें माफ कर दीजिए, उन्होंने हमेशा आपका साथ दिया है, बस बस एक आखिरी बार उन्हें माफ कर दीजिए। हम आपको वचन देते हैं रानी माँ, राजकुमार अधिराज का विवाह सिर्फ और सिर्फ हमसे होगा और आपका स्वप्न जरूर पूरा होगा। हम उस मामूली सी लड़की का नामो निशान मिटा देंगे, बस बस एक बार हमें माफ कर दीजिए। जो लड़की चंद्रलेखा की आंखों में आंखें डालकर बात कर सकती है वो मामूली हो ही नहीं सकती। एक बार फिर दुश्मन को कमजोर समझने की भूल की है तुमने कनक, परिस्थिति की गहराई को समझो। अगर तुम लोगों ने परिस्थिति की गहराई को समझा होता और समय रहते स्वराज को मेरे पास भेज दिया होता तो आज हम सब खुशियां मना रहे होते। थोड़ी सी बुद्धि लगाई होती तो आज तुम्हें सजा नहीं इनाम मिलता। तुम जानती हो कि इतने वर्षों में एक ऐसा दिन आता है जब ऐसा मुहूर्त आता है, इस मुहूर्त में सारी प्रेत आत्माएं दुनिया घूमती हैं, सारी काली शक्तियां अपने चरम पर होती हैं, पर हमने ऐसा मुहूर्त गंवा दिया। अब देखो मैं तुम्हारा क्या हाल करती हूं। माफ कर दो, हम जानते हैं हमारी गलती है, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी चंद्रलेखा, पर वादा करती हूँ हम उसे सुधारेंगे, कनक का विवाह अधिराज से करवाएंगे। पर वो लड़की, उस लड़की का जीवन नर्क बनेगा, पर ये कैसे सहन करूं कि इतने सालों में कोई बाहर से हमारे महल के अंदर आ गया। अगर ये सिर्फ एक राजमहल होता तो मुझे कोई चिंता नहीं होती, मगर ये राजमहल राजमहल है। के बारे में सिर्फ हमें पता है और किसी को नहीं, यहाँ तक कि महल के अंदर रह रहे दास दासियों का भी मैंने वशीकरण किया है ताकि इस राजमहल के राज के बारे में भनक तक ना लगे किसी को। पर वो लड़की, वो लड़की महल के बाहर ना जाने पाए, ना जीवित ना मृत, वरना वो जाकर राजमहल का राज सबको बता देगी, उन गांव वालों को भी और अधिराज को भी, जो
जो गलती हुई है उसे सुधारा तो नहीं जा सकता कनक, मगर तुम अगर इसका प्रायश्चित करना चाहती हो तो कुछ ऐसा करो कि वो लड़की अधिराज के कभी करीब ना जाने पाए। अधिराज के दिल में उस लड़की के लिए जितनी नफरत है वो कभी कम ना होने पाए, और मौका मिलते ही मार डालो उस लड़की को ताकि राजमहल का राज कभी बाहर ना जा सके। जी रानी माँ, समझे कि काम हो गया। आपको उस लड़की का चेहरा दोबारा कभी देखना नहीं पड़ेगा। घूम फिर कर हम वही पहुंच जाते जहां से चले थे। लगता है कोई भूल भुलैया है। हे अंबे मां, मेरी मदद करो, मदद करो, मदद करो। सुनैना, 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 सुनैना की आवाज सुनिए। वो बहुत बड़ी मुसीबत में है, उसे तेरी जरूरत है। तारा बेटी, तू मुझे उसके पास ले चल। नानी, उसके पास ले चल तारा। नानी शांत हो जाओ। नानी कहाँ लेके जाओ तुझे? हमें तो ये भी नहीं पता कि दीदी किस तरफ गई है। कहीं वो उस अदृश्य महल की ओर तो नहीं गई होगी? वहां से कोई वापस नहीं आता। तारा, तारा, तारा मुझे ले चल। नानी, अदृश्य महल सिर्फ कहानियों में होता है, हकीकत में नहीं। नानी तू एक काम कर, मुझे वहां पंडित जी के पास ले चल। वो गांव से बाहर अपनी कुटिया में रहते हैं। मुझे पूरा विश्वास है वो मेरी सुनैना के बारे में कोई ना कोई संकेत जरूर देंगे। ले चल बेटा, ले चल। दीदी को ढूंढने के लिए मैं कुछ भी करूंगी नानी। काश काश वो महापंडित बता सके कि दीदी कहाँ है। चलो नानी, चलो। कौन है, कौन है? मैंने क्या बिगाड़ा तुम्हारा? बिगाड़ा? मेरे अधिराज से विवाह करके मेरा विवाह तोड़ दिया। अब पूछती हो कि क्या बिगाड़ा? बिगाड़ा नहीं, बर्बाद किया। अब देखती जा कि मैं तेरा क्या हाल करती हूं। दर्द दूंगी, इतना दर्द दूंगी कि तुझे अपनी जिंदगी से नफरत हो जाएगी। मैं तुम्हें मार के रानी माँ को दिया हुआ वचन निभाऊंगी। मैं अधिराज के सामने अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकती, वरना उसे शक हो जाएगा। इसलिए भी यहां से जाना ही बेहतर होगा। अच्छा, तो तुम यहाँ पर हो। उसे छिपने की कोशिश कर रही या फिर इस महल से भागने की?
तुम जो चाहे वो कर लो, न तो तुम यहां से भाग सकती हो और ना ही हमारी सजा से बच सकती हो, क्योंकि गुलाम मालिक की मर्जी के बगैर कुछ नहीं करता, समझे? मुझे ये सब नहीं पता, मुझे बस इतना पता है कोई तो था जो मुझ पर लगातार हमला कर रहा था। कौन था, क्या था, कुछ अजीब सा था। ये देखो, और वैसे तुम इतनी भी ताकतवर नहीं हो कि कोई तुम्हारे पर छिप करके हमला करे। जिसे तुम हमला बोल रही हो उसे कर्मों का फल कहते हैं, समझी? देखो, तुम मुझे कोई भी सजा दे दो, तुम मुझे यहां से जाने दो, मैं यहां नहीं रह सकती। अपराधी शर्तों पर सजा नहीं मांगते हैं। और वैसे भी हम तो तुम्हारी जिंदगी को सजा बनाने वाले हैं। चलो ऐसे। छोड़ो मुझे। अभी तो हमने बहुत कुछ सोच रखा है तुम्हारे लिए। चलो। छोड़ो मुझे। कहाँ ले जा रहे हो? जहाँ तुम्हें होना चाहिए। छोड़ो मुझे। कहाँ जाना है? छोड़ो मुझे। यही तुम्हारी सही जगह है। तुम जाओ, जाकर के हमारा तीर धनुष लेकर के आओ। से दासी हो तुम हमारी और गुलाम भी। अब से तुम्हें यहां रहकर तरह तरह के व्यंजन बनाने हैं, हमारे लिए, हमारी मां के लिए और सारे महल में काम करने वाले लोगों के लिए। और भोजन तुम्हें अकेले ही बनाना होगा। अगर तुम्हारे द्वारा बनाया गया भोजन हमारी मां को पसंद नहीं आया तो सोच लेना। तुम चाहे कितने भी पहरे लगा दो, जो अत्याचार करना है करो, पर मैं यहां नहीं रहूंगी। अब हम भी देखते हैं कि तुम यहां से बाहर कैसे जाती हो। मेरी जिंदगी क्या से क्या हो गई अम्बे माँ। चल दीदी, आज मैं तुझे ऐसा तैयार करूंगी कि होने वाले जीजू भी ना सोच में पड़ जाएंगे कि चांद आसमान में होता है या जमीन पर। ऐसा खूबसूरत रिश्ता इतना बदसूरत हो सकता है क्या माँ? पति के रूप में शैतान और ससुराल की जगह कारावास मिले, वो भी रहस्यमय। ऐसे दुर्भाग्यशाली हूं मैं। नई दुल्हन के पैरों में पायल और हाथों में कंगन चमकते हैं, पर मेरे पैरों में तो छाले और हाथों में बेड़ियों के विशाल चमक रहे हैं। माँ, इतनी कठिन परीक्षा क्यों ले रही हो माँ? पता है मुझे तुम यही चाहती हो ना, मैं तुम्हारी हर परीक्षा में सफल होकर दिखाऊं।
मैं सफल होकर दिखाऊंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ तुम हमेशा मेरे साथ हो, इसलिए मैं कभी हार नहीं मानूंगी माँ, कभी नहीं। उन्हें क्या लगा वो मुझ पर अत्याचार करेंगे और मैं उनकी गुलामी मंजूर कर लूंगी? बिल्कुल नहीं, अंबे माँ की भक्त हूँ मैं, भक्ति कर सकती हूँ पर गुलामी नहीं। वे निर्दय बस मेरे शरीर को चोट पहुँचा सकते हैं पर मेरे मनोबल को कभी नहीं तोड़ सकते। खाना बनाना है ना, बनाऊंगी, पर अपनी अंबे माँ के लिए, भोग के रूप में। जैसे नानी माँ अंबे के लिए भोग बनाती है, वैसे ही मैं भी बनाऊंगी। भोग तो बना लूंगी पर भोग चढ़ाओगी कैसे? यहाँ तो एक भी मूर्ति नहीं है अंबे माँ की। ये कैसी अजीब जगह है, पता नहीं कैसा महल है ये, इतना बड़ा महल है और अंबे माँ की एक छोटी सी मूर्ति भी नहीं है यहाँ। मेरे गांव में तो छोटे से छोटे घरों में भी बड़ी बड़ी मूर्तियां या तस्वीरें हुआ करती थी अंबे माँ की। जहां मैं रहूं वहां मेरी अंबे माँ ना रहे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्य 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 नमो नमः। ये अचानक मेरे सर में दर्द क्यों होने लगा? कोई तो शक्ति है यहाँ जिसने हम सब की शक्ति कम कर दी है। कौन कर सकता है ऐसा? कौन है यहाँ? पता नहीं कहाँ है मेरी बच्ची। आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी पता लगाता हूँ।